की तो शपथ तीसरी बार अब वो लेंगे 9 तारीख को, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत सर्वसम्मति से पहले ही हमने देखा था। घटक दलों की जब मीटिंग हुई थी एनडीए संसदीय दल की से पहले, उसी में चुन लिया गया था। सुनते हैं, स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। हम सब के लिए गर्व और गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारा लिए बड़ा गर्व और हर्ष का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो गमछा और पुष्प गुच्छ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर तीसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर तीसरी बार। आज इस एनडीए की बैठक में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत भाषण के साथ आज की इस बैठक को प्रारंभ करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सेवा और संगठन के द्वारा जो विस्तार किया है, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे हमारे सभी एनडीए के घटक दल के सभी वरिष्ठ नेतागण, यहां उपस्थित हमारे सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी एनडीए के नवनिर्वाचित हमारे सांसदगण और हमारे सभी संसदीय दल के सांसदगण, ये
एक ऐतिहासिक पल और ये एक ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था वह घड़ी आ गई है और हम सब लोगों ने तीसरी बार लगातार हमारे एनडीए के गठबंधन के नेता के रूप में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और नेता का चयन सब करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पे और इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल संविधान सदन में आज हम सब लोग इसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग जो इस समय संसदीय दल की गतिविधि को देख रहे हैं उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं अपने सभी एनडीए के घटक दल के नेताओं का, मंचासीन और सामने बैठे सभी नेताओं का अपने हृदय की गहराई से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर वर्ष, हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया और यही कारण है कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। मैं इस घड़ी में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां हमने लोकसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल की और तीसरी बार लगातार, वहीं हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एकतरफा बनती है। और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार भी हमने अपनी सरकार बनाई है। और सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। हमें याद है 10 साल पहले उदासीन भारत था, 10 साल पहले भारत के बारे में यह कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है। इसको भी हमको समझना चाहिए।
देश की सरहद मजबूत हुए, देश की सुरक्षा मजबूत हुई, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे, हमारे किसानों को मुख्य धारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा। और ये सब संभव हुआ जिस मंत्र को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। और उनके परिश्रम के कारण यह हम आज देख रहे हैं और हम अपने नेतृत्व का फिर से चयन करने वाले हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के पुनः स्वागत में। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं। मैं अपने वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सदन में एक प्रस्ताव रखें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी,